जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं। ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद फैज की, जो कि अभी सुपरस्टार सिंगर 2 से काफी फेमस हो रहे हैं और सोशल मीडिया साइट पर उनके फैंस की संख्या लाखों में है। जितना फैज अभी फेमस हैं और खुश हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब फैज के पापा उन्हें और उनकी मम्मी को अकेला छोड़कर चले गए थे और उस समय उन पर काफी पैसों का भी कर्जा हो गया था। तो कैसे फैज वहां से सब ठीक कर यहां तक पहुंचे, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए अगर आप फैज के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे आप एंड तक देखिएगा, जिसमें मैं आपको अभी तक के उनके जिंदगी की पूरी कहानी सुनाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं इंटरटेनमेंट डिस्क्राइब। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद फैज का जन्म 2008 में जोधपुर राजस्थान में हुआ था, तो अभी 2022 के हिसाब से वो 14 साल के हैं। फैज अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं और अपने क्लास में वो चॉकलेट बॉय के नाम से काफी फेमस हैं और इसीलिए क्लास की गर्ल्स फैज की दीवानी हैं। साथ ही फैज को बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था और इसीलिए उन्होंने बहुत ही छोटी सी एज से सिंगिंग सीखना स्टार्ट कर दिया था और इसीलिए वो बचपन से ही अपने स्कूल के या आसपास के सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया करते थे, जहाँ से उन्होंने कई मेडल्स भी जीते हैं। दोस्तों, फैज के फैमिली मेंबर्स की बात की जाए तो उनके माता पिता के साथ उनकी दो बड़ी बहनें भी हैं और उनका एक पेट डॉग भी है। दोस्तों, फैज ने अपने सिंगिंग करियर की स्टार्ट एनटीवी के सिंगिंग शो लव मी इंडिया में 2008 से की थी। उस समय वो काफी छोटे थे, पर छोटी सी एज में उन्होंने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस किए थे और वो उस शो के फर्स्ट रनर अप थे। लेकिन शो को ना जीत पाने के बाद फैज ने काफी खून पसीने बहाकर मेहनत की और फिर उन्होंने 2019 में जीटीवी के सिंगिंग शो सायगांव पॉजिटिव चांस में पार्टिसिपेट किया। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनकी परफॉर्मेंसेस में ये दिखाई भी दे रहा था। तो शो के उस सीजन में उन्होंने कई कमाल के परफॉर्मेंसेस किए, तब भी वो उस शो को जीत नहीं पाए, लेकिन वो शो के फर्स्ट रनर अप बनने में कामयाब रहे। फैज ने म्यूजिक अपने नाना जी से सीखा है, जो कि एक क्लासिकल सिंगर है। फैज कहते हैं कि उनके खून में ही म्यूजिक है। फैज अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं, ये बात बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि मैंने 2017 में भी सायगांपा का ऑडिशन दिया था, जिस समय मैं टॉप 30 तक ही पहुंच पाया था, क्योंकि वो मेरा पहला शो था और इसीलिए मैं बहुत नर्वस भी था। साथ ही फैज ये भी बताते हैं कि अरिजीत सिंह और शान मुखर्जी के वो बहुत ही बड़े फैन हैं और खास करके सायगांपा 2019 को उन्होंने बस शान सर के लिए ही किया था, क्योंकि शान मुखर्जी उस शो के जस थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फैज की जिंदगी की उस वाकया की, जो कि शायद ही किसी को पता होगी। फैज एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब उनकी फैमिली पर काफी मुसीबत आ गई थी, या कहा जाए तो उनकी फैमिली पाई पाई की मोहताज हो गई थी। उनके पापा पर पैसों के काफी कर्जे हो गए थे, जिसे चुकाने के लिए वो कुवैत चल गए थे। उसके बाद वो कई सालों तक इंडिया वापस नहीं आए, ना ही वो उनकी मम्मी से मिलने आते थे। तो उस समय फैज किसी भी तरह अपने मम्मी पापा को मिलाना चाहते थे, जो कि उन्होंने लव मी इंडिया शो में कर दिया, जब उनके पापा शो में उनके परफॉर्मेंस को देखने आए थे। दोस्तों, फैज ये भी बताते हैं कि कोविड के लॉकडाउन में उन्होंने बहुत से गाने लिखे हैं, जो कि जल्द ही उनके प्रोडक्शन में उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगे। दोस्तों, वैसे तो फैज पिछले 2 सालों से ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन वो मीडिया और फैंस के सामने तब आए जब उन्होंने इसी साल 2022 में सोनी टीवी के सिंगिंग शो सुपरस्टार सिंगर 2 का ऑडिशन दिया, जिसमें उन्होंने खामोशिया गाने पर परफॉर्म किया था और उसके बाद जो हुआ वो तो आप जानते ही हैं। उसके बाद मेगा ऑडिशन में जब उन्होंने पवनदीप के साथ शायद गाने पर डुएट परफॉर्मेंस किया था, तो वो तो एक इतिहास बन गया है। अभी फैज शो के टॉप 15 कंटेस्टेंट की सूची में सेलेक्ट हो गए हैं और वो हर हफ्ते अपने नए परफॉर्मेंसेस से फैंस को अपना दीवाना और भी बना रहे हैं। बता दें कि फैज को पवनदीप शो में लेके आए थे, लेकिन अभी वो कैप्टन अभिनेता की टीम में है। तो दोस्तों, ये तो थी फैज की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको मोहम्मद फैज की सिंगिंग कितनी पसंद है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही आपको सुपरस्टार सिंगर 2 में और किस कंटेस्टेंट की वाइप स्टोरी जाननी है, आप हमें नीचे कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। तो अभी के बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।